मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, मौके वाले प्रोग्राम लोग अपने अपने कामों में लगे हुए, किसी के पास टाइम नहीं है। हालांकि हे गाइस, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, भम्मू के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी बात को लेकर पाई ने अपने भम्मू और अपने लखन और नीतू के बारे में क्या कहा, आप आगे पूरी वीडियो में देखिए। और जैसा कि आपको पता है, इनके बीच में अपने बेटे भू के साथ पहले भी कंट्रोवर्सी रह चुके हैं और एक बार से फिर इनके बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए पाई ने लखन एंड नीतू के बारे में क्या कहा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मौके वाले प्रकरण में नहीं पाया। अच्छा, लखन नीतू वो किसी के पास टाइम नहीं है। हालांकि वो लोग भी बहुत अपने अगावों में बिजी हैं, लेकिन सर ये इन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप से किया है और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों ने इनके इनकी रिक्वेस्ट पे आप सब लोगों ने। तो यहाँ पर पाई का कहना है कि भम्मू के 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सफर भम्मू ने खुद तय किया। उन्होंने खुद अपने चैनल पर मेहनत कर उन्होंने किसी का सपोर्ट ना लेकर अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइब किया। और पाई का ये भी कहना है कि भम्मू का किसी ने साथ नहीं दिया और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लखन एंड नीतू अपने काम में बिजी थे, उन्होंने भम्मू का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, लखन एंड नीतू सिर्फ दिखावे के लिए सब करते हैं या फिर पाई एंड भम्मू अपने बेटे बहू को इग्नोर कर रहे हैं? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।